28 गिरों की होती है, साद रफीक हो, ख्वाजा आसफ हो, ये सारे जो है वो एफ ए 12 वो भी नकलें करवा के, जिस तरह के सिंध में जिस तरह के हो रहे हैं इम्तिहानात, वैसे इम्तिहान ये दे के आए हुए हैं सारे, अपनी जगह किसी को बिठा के किसी को ला के, ये सारे ऐसे ही जो है दो नंबरियों से आए हुए हैं और वही दो नंबरी आगे जारी रखे हुए हैं। बहरहाल जी, आज का मकसद सिर्फ यही था आपको बताना कि ये इमरान खान साहब के सारे कागजात हैं, उनकी ट्रांजेक्शन हैं, आप में हिम्मत है पैनामा पेपर्स में तो कतरियों से खत लाने के बजाय बैंकिंग ट्रांजेक्शन दे दें, लोगों के सामने रखे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, नियाजी सर्विसेज का एक ही असासा था और वो ये अपार्टमेंट था जो मैंने आपके सामने जिक्र किया। चूंकि नियाजी सर्विसेज का एक ही अपार्टमेंट जो ट्रांजेक्शन थी वो ये अपार्टमेंट था, ये अपार्टमेंट डिक्लेयर्ड है वहां पे, नियाजी सर्विसेज डिफंक्ट थी फॉर ऑल पर्पसेस, उसका उसकी टोटल वैल्यू 9 पाउंड थी। चूंकि वो ट्रांजेक्शन हो गई, वो डिफंक्ट हो गई, जो चीज थी जो एसेट था वो जाहिर किया गया। इमरान खान साहब के, इमरान खान साहब के एक तो जो उनकी क्रिकेट जो पहले रही हैं, जो उनकी सेविंग्स हैं, फिर उनकी मियां चन्नू में ज़मीन है, फिर उनकी लाहौर के में ज़मीन है, जो उनकी ज़रई इनकम है वो उनको आ रही है, जो उनकी अपनी पर्सनल इनकम है वो उनको आ रही है, लंबे चौड़े खर्चे उनके हैं नहीं, आपको भी पता है।